मिडिल ईस्ट में संकट और बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इसराइल हमास का युद्ध और ऊपर से उसमें लेबनान का हिजबुल्ला कूद पड़ा है, वहीं इन दोनों फ्रंट का मास्टरमाइंड ईरान अब अमेरिका के लिए एक बड़ी परेशानी बन गया है। दरअसल पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है जिससे वो परमाणु हथियार बना सके, लेकिन अब इस खबर पर पक्की मोहर लग चुकी है। इसको लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के सलाहकार और परमाणु वार्ताकार अली शामखानी ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है। वो अमेरिका के दबाव के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। कहने का मतलब साफ है कि अमेरिका चाहे जो भी कर ले, अब ईरान परमाणु हथियार बनाने के रास्ते पर नहीं रुकेगा। दरअसल शमखानी ने अपने बयान में ये तो साफ नहीं कहा कि वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ये जरूर बता दिया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम राष्ट्र और विकास की रणनीति पर रहेगा। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश चाहें तो वो ईरान के परमाणु उद्योग को खत्म कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ाना जारी रखता है तो वो उस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। वो अमेरिका से पहले संयुक्त राष्ट्र की परमाणु वॉचडॉग संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 60% तक बढ़ा चुका है और उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए इसमें बस थोड़ा सा और इजाफा करना है। IAEA ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि ईरान तेजी से और ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट वाली सेंट्रीफ्यूजन मशीनों को फॉर्डो परमाणु अड्डे पर लगा रहा है और उसने नटेंस परमाणु अड्डे पर यूरेनियम एनरिचमेंट का अतिरिक्त काम शुरू कर दिया है। IAEA का कहना है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट 7% शुद्धता पर पहुंच चुका है और ये 90% यूरेनियम एनरिचमेंट के करीब बढ़ रहा है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी है। अतिरिक्त रूप से ईरान ने पर्याप्त एनरिचमेंट सामग्री भी इकट्ठा कर ली है जिससे वो 3 परमाणु हथियार बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका उद्देश्य ईरान के ऊपर कूटनीतिक दबाव बनाना था। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का विकल्प रखा गया था, लेकिन चीन और रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया। ये तीनों ही देश चाहते थे कि ईरान IAEA के निरीक्षक दल को अपने परमाणु केंद्र में निरीक्षण करने की अनुमति दे और IAEA के साथ सहयोग करे, और अमेरिका ने भी इन शर्तों को लागू करने पर जोर दिया था क्योंकि फिलहाल ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर IAEA के जांच दल के जाने पर रोक लगाया है। जब पिछली बार IAEA ने ईरान पर इस तरह का दबाव डाला था तो उसने अपने परमाणु ठिकानों से निगरानी वाले कैमरे और अन्य उपकरण हटा दिए थे। इसके अलावा ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट गतिविधियों को बढ़ा दिया था और अब अमेरिका भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उठने वाले संकट पर चिंता जता रहा है। इसको लेकर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का भी कहना है। IAEA द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि ईरान लगातार अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जिस तरह से बढ़ा रहा है उसमें ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिलता है कि वो ऐसा किसी शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए कर रहा हो। ईरान को IAEA के साथ सहयोग करना चाहिए और बिना देरी के लिए अपने कानून रूप से बाध्यकारी सुरक्षा दायित्वों को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। दरअसल IAEA ईरान से उठ रहे इस खतरे को भली भांति भांप रहा है और कह रहा है कि ईरान इकलौता गैर परमाणु देश है जिसका यूरेनियम एनरिचमेंट सबसे ज्यादा 60% तक पहुंच चुका है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा कम है। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट का भंडार जमा करता रहता है जो बेहद चिंता की बात है।